दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एमसी मैरी कॉम को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी AIBA का अध्यक्ष और साथ ही वेटरन समिति का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समझते हैं इस खबर को और समझेंगे कि एमसी मैरी कॉम ने कौन कौन सी पुरस्कार या विजेताओं या कौन कौन सी प्रतियोगिताएं जीती हैं। तो इंडियन बॉक्सर एमसी मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन या AIBA चैंपियंस और वेटरन समिति के अध्यक्ष तौर पर नियुक्त किया गया है। इस AIBA चैंपियंस और वेटरन दिग्गज समिति का गठन दिसंबर 2020 में किया गया था। बात करें तो मैरी कॉम एक भारतीय मुक्केबाज और वर्तमान में भारत की संसद सदस्य हैं। उन्हें 25 अप्रैल 2016 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नामित किया गया था। बात करें तो एमसी मैरी कॉम की ऐतिहासिक जीतों के बारे में, तो वह 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं। वह 8 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली एकमात्र मुक्केबाज भी हैं। वह पहली 7 विश्व चैंपियनशिप में से प्रत्येक में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज भी हैं। बात करें तो उनके पुरस्कारों की, तो वर्ष 2020 में एमसी मैरी कॉम को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार या नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके पहले उन्हें वर्ष 2006 में पद्मश्री, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और वर्ष 2013 में पद्म भूषण, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं जरा AIBA की। तो AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना 1946 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर लुजाने स्विट्जरलैंड में है और यह है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग से संबंधित नियमों पर कार्य करती है।